हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का रंजन बिहू सिंह होम चैनल में स्वागत है। और मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में आलू के स्टार्च के पापड़ की बिल्कुल नई रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। लोगों को पूरा देखिएगा। जब भी हम लोग आलू के चिप्स बनाते हैं तो उसको भिगो के जब रात भर रखते हैं तो उससे ये स्टार्च बच जाता है। इसको माड़ भी कहते हैं। तो इससे पापड़ आप लोग बनाते ही हैं, लेकिन अगर इसमें आप थोड़ा सा साबूदाना ऐड कर देंगे तो इससे पापड़ और भी टेस्टी बनता है। तो चलिए देखिए, साबूदाने को हमने पीस लिया है और उसको मिला के हम आलू और साबूदाने के पापड़ बनाएंगे। और जब भी आप साबूदाने को पीसे तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि साबूदाना एकदम बारीक ही पीसिएगा, दरदरे मत पीसिएगा। तो चलिए अब भगोने में पानी ले लेते हैं। और पानी लगभग हम 2 गिलास लेंगे, क्योंकि स्टार्च हमारा आधा कटोरी है और आधा ही कटोरी हमने साबूदाने में ले रखे हैं। तो उसी के हिसाब से हमने पानी ले लिया है भगोने में। पानी जब हमारा गर्म हो जाएगा तो सबसे पहले हम इसमें इस साबूदाना जो पीस के रखा है उसको डाल देंगे, फिर जो स्टार्च है उसको भी डाल देंगे। और ये पापड़ चिपके नहीं, जब भी हम इसको बनाए तो इसमें हम थोड़ा सा इसमें खाने वाला तेल भी डाल देंगे और इसमें नमक भी ऐड कर देंगे। तो ये पापड़ अगर आप बनाएंगे तो ये बच्चों को बहुत पसंद आएगा। बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी ये पापड़ है कि बिल्कुल नई रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। आपको मेरे चैनल पर और भी पापड़ की रेसिपी मिलेगी, तो उसको देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने ये पापड़ बनाए कि नहीं। और ये पापड़ आप धूप में ही सुखाइएगा तो उससे बहुत अच्छे से इसमें धूप भी लग जाएगी और उन पापड़ों को आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अच्छी रेसिपी के साथ। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।